हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मैं हूँ लक्ष्मी शाह और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा अच्छा और इजी इजी केक की डेकोरेशन दिखाती रहती हूँ आप सबको। तो प्लीज़ अगर जो कोई भी नए आए हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और ये जो आज जो मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे केक की डिज़ाइन आप सबको देखने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे केक की डिज़ाइन आप सबको दिखाऊंगी इस वीडियो में। देखिए कितना सारा केक है, तो सारे केक की डेकोरेशन इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। बेसिकली ये सारे जो केक है मेरे शॉप के लिए मैं बना रही हूँ। ये काउंटर में लगने वाला है अगले दिन, मतलब इससे पहले, मतलब कल सारा केक ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मुझे आज सारा केक बनाना पड़ रहा है। बहुत सारा केक बनाना पड़ रहा है केक के काउंटर के लिए। तो आपको आज बहुत सारे केक की डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और बहुत टाइम, मतलब ऐसा ही मैं काम करती हूँ और बहुत सारे केक एक साथ बनाती हूँ, लेकिन सारे वीडियो मैं आप सबको शेयर नहीं करती एक साथ। जो वीडियो बनता है वो एक एक करके वीडियो बनते हैं केक के डिज़ाइन की, जो शॉर्ट में होता है, कुछ कुछ लॉन्ग में जाते हैं। और कभी कभी तो मुझे बिल्कुल, मतलब टाइम नहीं होता है कि कैमरा वगैरह सेट करूं, तो बहुत मुश्किल से आज मैंने किया है कि नहीं, आज मुझे ये रिकॉर्ड करना ही है। तो इसलिए आपको दिख रहा है, ये वीडियो मिल गया, क्योंकि बहुत टाइम मुझे ऐसा ही काम करना होता है। लेकिन कैमरा लगाओ, इसको बार बार ऑफ़ करो, ऑन करो, ऑफ़ करो, ऑन करो कैमरे को, तो दिक्कत होता है। और ऑर्डर भी अगर ऊपर से रह जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे काम पे फोकस ज़्यादा करना होता है ताकि केक में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। तो इसलिए मैं पूरा जो फोकस होता है मैं केक के ऊपर लगा देती हूँ, अपने काम के ऊपर लगा देती हूँ। तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट केक बन गया, अभी ये वाइट फॉरेस्ट केक जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो ब्लैक फॉरेस्ट है उसका आधा अधूरा था, तो यहाँ पे बस हम ऊपर से चॉकलेट, जो चॉकलेट का जो क्या बोलते फ्लेक्स है, चॉकलेट का पतला पतला या फिर चूड़ा जैसा जो भी है, क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी में उतना अच्छे से तो नहीं आता, तो उसको डाल के बस चेरी के साथ कर लिया है। और यहाँ पे ये बटर स्कॉच केक है, हाँ ये बटर स्कॉच ही है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, भगवान कभी ऐसा भी ना हो जाए कि मतलब स्ट्रॉबेरी के ऊपर मैंने बटर स्कॉच का फ्ले, मतलब जो है डिज़ाइन डाल दिया, कुछ भी, मतलब कहाँ कुछ कर देती हूँ, समझ में नहीं आता। तो देखिए कितना आसान सा, जब भी जल्दी में होती हूँ तो ट्राई करती हूँ इजी इजी कुछ डिज़ाइन ट्राई करूँ और उसमें ही कुछ नया कुछ करूँ। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉबेरी केक है यहाँ पे, तो इसमें मैंने चॉकलेट और जो पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी का पहचान होता है, तो इसका मैंने पोरिंग करके डाला है जो नीचे से गिर रहा है। और यहाँ पे येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन में मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो ये ऐसा वाला डिज़ाइन आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, और थोड़ा सा सिल्वर बॉल के साथ कंप्लीट। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ एक चॉकलेट पेस्ट्री। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में, कम खर्चे पे हम क्या कर सकते हैं, मैं वही करती हूँ, क्योंकि 25-30 में जाता ही है एक पीस पेस्ट्री। यहाँ पे ज़्यादा प्राइस हम कर ही नहीं सकते, लोकल एरिया है तो ऐसा ही है।